झारखंड के लिए ये बड़ा सर्वे है कि झारखंड में किसी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन किसकी बनेगी सरकार इसके लिए बाबूलाल मरांडी किंग मेकर का काम कर सकते हैं, जिसका से हरियाणा में दुष्यंत चौटाला यहां पर बड़ी भूमिका में आए थे। अगर सर्वे की बात करें तो एबीपी न्यूज 80 वोटर का ये सर्वे है, और अगर बात करें तो जनता ने 81 सीटों के लिए अपना मत का प्रयोग कर दिया है और सभी बड़े दिग्गजों का फैसला ईवीएम में कैद है, लेकिन बाबूलाल मरांडी किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की है और कहीं ना कहीं अब बातचीत यहां पर शुरू हो चुकी है बाबूलाल मरांडी से। बीजेपी के लिए अगर बात करें तो बीजेपी के साथ भी वो गठबंधन में रहे हैं और कांग्रेस के साथ भी गठबंधन में रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करें या आगे जो आपको पूरे आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के अनुसार झारखंड में किसी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। सभी बड़े दिग्गज जो यहाँ पर इतिहास है झारखंड का कि अब तक किसी को बहुमत नहीं मिला है, मतलब कि बल्कि गठबंधन से ही सरकार बनती आ रही है, तो ये यहाँ पर बड़े आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कि बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। आंकड़ों के हिसाब से 5 चरणों के आपको एग्जिट पोल, उसके बाद फाइनल तस्वीर आपको दिखाएंगे किस पार्टी कितनी सीटें और किसके तरफ जा सकते हैं बाबूलाल मरांडी, क्योंकि उसकी वो सरकार बना देंगे, ये खबरें अभी निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी के लिए पहले चरण के लिए 8 सीट जा सकते हैं, कांग्रेस के लिए 4 और यहां पर जेवीएम को 0, आरसू पार्टी 0, 1 सीट अन्य खाते में जा सकती है पहले चरण के लिए, जो 13 सीटों के लिए एग्जिट पोल सामने आया। दूसरे चरण के लिए 20 सीटों पर जो वोटिंग की गई थी उसके लिए बीजेपी 8, कांग्रेस 11, जेवीएम को 1 और अन्य के लिए 1 सीट यहां पर जाती नजर नहीं आ रही है। तीसरे चरण की अगर बात करें तो 17 सीटों के लिए एग्जिट पोल बीजेपी को 7, कांग्रेस को 5, जेवीएम को 0, आरसू पार्टी को 3 सीटें और 2 सीटें अन्य खाते में जा सकती है। और अगर यहां पर आपको चौथे चरण के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाएं तो बीजेपी 7, कांग्रेस महागठबंधन 4 और जेवीएम को 0, आरसू पार्टी 1 सीट और अन्य खाते में 3 सीट यहां पर जा सकती हैं। और पांचवें चरण के लिए अगर एग्जिट पोल के आंकड़े आपको दिखाते हैं तो बीजेपी यहां काफी पिछड़ रही है, 2 सीटें सिर्फ आ सकती हैं। और 2014 में अगर आंकड़े दिखाएं पांचवें चरण के लिए बीजेपी ने 5 सीट हासिल की थी, कांग्रेस के लिए यहाँ पर 11 सीटें और यहाँ पर जेवीएम को 2 और आरसू पार्टी के लिए 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अब आपको दिखाते हैं कि फाइनल तस्वीर क्या रहती है झारखंड के लिए। अगर वोट परसेंटेज देखें तो बीजेपी यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बन सकती है वोट परसेंटेज, लेकिन आंकड़े क्या बनते हैं देखिए, 32 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं और कांग्रेस महागठबंधन को 35, जेवीएम को 3, आरसू पार्टी की 5 और अन्य खाते में 6 सीटें, तो किसी को यहाँ पर बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है और ये गठबंधन को भी बहुमत नहीं दिखा रहा है एग्जिट पोल। और यहाँ पर अगर बात करें तो झारखंड में यूपीए सरकार कैसे बन सकती है, इसके लिए आंकड़े भी यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं और इसके लिए बातचीत भी शुरू हो चुकी है। और आंकड़े आपको दिखाएं तो लोकसभा में जेवीएम की बात करें और जेएमएम की बात करें, दोनों यहाँ पर गठबंधन के तौर पर थे और गठबंधन ने कई सीटों के बंटवारा को लेकर इस बार अलग अलग चुनावी मैदान में है, लेकिन सहयोग किसके पक्ष में जा सकता है देखिए, अगर बात करें तो जेवीएम के जो 6 विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हुए थे, इस कारण से कहीं ना कहीं यहाँ पर जेवीएम कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। और अन्य के 6 विधायक अगर यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन के साथ जाते हैं तो ये आंकड़ा 44 तक पहुंच जाता है, सरकार बनाने का रास्ता साफ हो जाता है। जो 41 का बहुमत है वो यूपीए सरकार पार कर रही है आंकड़ों के हिसाब से। इसके अलावा झारखंड में बीजेपी सरकार के भी चांसेस हैं। अगर आरसू पार्टी की बात करें तो आरसू पार्टी को 5 सीट यहाँ पर जा सकती है, और आरसू पार्टी अगर बीजेपी को समर्थन देती है और अन्य के जो 6 विधायक हैं वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो ये आंकड़ा जो है वो 43 पार हो जाता है, मतलब बीजेपी सरकार के भी आंकड़े यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। तो फाइनल तस्वीर ये है एग्जिट पोल के अनुसार, सी वोटर और एबीपी न्यूज के अनुसार, कि झारखंड में किसी की बहुमत सरकार नहीं बन रही है, बल्कि गठबंधन की सरकार एक बार फिर से यहाँ पर बन सकती है आंकड़ों के हिसाब से।